नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। मंडी में सब्जियों की बिकवाली जारी है। बड़ी संख्या में खरीदार मंडियों में सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं और किसान भी अपनी सब्जियां लेकर मंडी में बेचने के लिए आए हुए हैं। गोभी लोकल है, गोभी के साथ मटर सोलन सब्जी मंडी में लोकल आ रहा है और लोकल मटर इस वक्त मंडी में आज भाव गिरे हैं। 38 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लोकल मटर सोलन सब्जी मंडी में आज ही बिक रहा है। यदि हम बात करें गोभी की, तो गोभी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, शानदार गोभी है, अच्छी क्वालिटी की गोभी है। 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह गोभी सोलन सब्जी मंडी में आज ही बिक रही है। हालांकि गोभी के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कल भी इसी तरह का भाव था और आज भी इसी तरह का भाव है, लेकिन टमाटर के भाव में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मंडी में जहां कल टमाटर 650 से 700 रुपए के बीच में बिक रहा था, वहीं टमाटर का रेट आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे 500 रुपए तक पहुंच गया। 500 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में टमाटर का मिनिमम रेट है और मैक्सिमम रेट 570 रुपए है। जो मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, यह टमाटर 550 से 570 रुपए के बीच में प्रति क्रेट बिक रहा है, लेकिन और यह टमाटर 500 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से बिक रहा है। तो कुल मिलाकर टमाटर के भाव में मंडी में आज गिरावट हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि जब नया माल मंडी में पहुंचेगा तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि कल डबल मंडी लगनी है और डबल मंडी में सब्जियां भी कल डबल पहुंचेगी, टमाटर भी भारी मात्रा में मंडी में आएगा, तो टमाटर के भाव में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन आज के लिए फिलहाल राहत है और राहत मिल सकती है मंडी में। आज राहत है 500 से 550 रुपए के बीच में सोलन सब्जी मंडी में टमाटर आज बिक रहा है। बड़ी मात्रा में टमाटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में पिछले समय से हो रही है। अहमदाबाद से टमाटर सोलन सब्जी मंडी में बिकने के लिए आ रहा है और तस्वीरें हम आपको सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त दिखा रहे हैं कि मंडी में बड़ी मात्रा में टमाटर पहुंच रहा है और तस्वीरें के माध्यम से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, टमाटर हर जगह पर आपको उपलब्ध है। सोलन सब्जी मंडी की सुबह का समय है और रौनक भी मंडी में और दिनों की तुलना में अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि पहले सर्दी का मौसम था और सर्दी के दिनों में कम मात्रा में सवेरे खरीदार पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मौसम अब खुलता जा रहा है और तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो टमाटर भी पहुँचे बड़ी मात्रा में आ रहा है। टमाटर तो आ ही रहा था, खरीदार बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में अब पहुँचने शुरू हो गए हैं और मंडी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सोलन सब्जी मंडी की। अच्छा, और मंडी की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और टमाटर आप तस्वीरों के माध्यम से दूसरी जगह पर भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो टमाटर है ये 650 रुपये तक भी है, क्योंकि क्वालिटी जिस तरह की है उस तरह के भाव है और हम बता रहे हैं कि नया लॉट जो आएगा वो बढ़े हुए दामों के साथ आ सकता है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें बड़ी मात्रा में सब्जियों की इस वक्त बेचने के लिए, बिकवाली के लिए यहाँ पर सब्जियाँ बड़ी मात्रा में पहुँची हुई है। किसान सोलन सब्जी मंडी में आए हुए हैं लोकल सब्जियों के साथ। लोकल सब्जियों की बात करें तो लोकल सब्जियों में सबसे ज़्यादा मंडी में इस वक्त गोभी पहुँच रही है, फूलगोभी और मटर का अब सीजन है। मटर बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है, तो मटर के भाव में भी तेजी देखे। मटर के भाव में आज पिछले दिनों की तुलना में थोड़े भाव में गिरे हैं और यदि हम बात करें मटर की, तो आज मंडी में मटर बिक रहा है। शिमला मिर्च चंद्रलाल शर्मा जी 65 रुपये तक आज मंडी में बिक रही है और शिमला मिर्च बाहरी राज्यों की अहमदाबाद की सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त आ रही है और उस शिमला मिर्च में तेजी है।
इसके अलावा अन्य सब्जी, इसके अलावा अन्य सब्जियों की भी हम बात करें तो टमाटर के हम आपको भाव बता रहे हैं कि मंडी में आज टमाटर 500 रुपए से लेकर 650 रुपए तक भी है कुछ जगहों पर, और 500 रुपए क्योंकि मिनिमम रेट का कल मिनिमम रेट 650 रुपए था, तो आज मटर के भाव में गिरावट थोड़ी देखने को मिली है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक सोलन सब्जी मंडी के रेट पहुँचे, क्योंकि सोलन सब्जी मंडी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है। और ब्रोकली आज तेजी पकड़ी हुई है, 65 से 70 रुपए के बीच में ब्रोकली सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है, तो वह ब्रोकली में काफ़ी तेजी आज देखने को मिली है। लक्ष्मी ब्रोकली क्या है आज रेट? 60 से लेकर 70 रुपए के बीच में ब्रोकली सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। संदीप राजपूत जी जुड़े हैं, मोहन लाल पवार जी, चंद्रलाल शर्मा जी, रणजी सनवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मोहन लाल पवार जी, मदन शर्मा जी, संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुशल कुमार जी, इंद्रपाल ठाकुर जी, देवेंद्र शर्मा जी और हरि नंद पांडे जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। मंडी में टमाटर बड़ी मात्रा में पहुंचा हुआ है, हर दुकान पर टमाटर इस वक्त नजर आ रहा है। टमाटर के भाव में आज कल की तुलना में गिरावट देखने को मिली है। मंडी में टमाटर का मिनिमम रेट आज 500 रुपये प्रति क्रेट है, मैक्सिमम रेट तक तो 650 रुपये हैं, कुछ जगहों पर 570 भी है, और जिस तरह की क्वालिटी उस तरह के दाम है। लेकिन टमाटर मंडी में इस वक्त कई दुकानों पर बड़ी बड़ी मात्रा में है, और कल डबल मंडी होगी तो आज नया लॉट भी टमाटर का पहुंचेगा, तो हो सकता है कि उसमें तेजी देखने को मिले, तो आज मौका है कि सस्ता टमाटर उठा सकते हैं। इस तरह का सोलन सब्जी मंडी में रेट है। यदि हम फूलगोभी की बात करें तो फूलगोभी के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में आज फूलगोभी बिक रही है। लेकिन मटर के भाव में आज थोड़ी गिरावट है, कल 43 रुपये था, आज 3800 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में मटर सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है, क्योंकि मटर की आपूर्ति धीरे धीरे बढ़ भी रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें बंदगोभी की, तो बंदगोभी मंडी में 15 रुपये तक, 14 से 15 रुपये के बीच में सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है। और शिमला मिर्च के भाव में तेजी है, शिमला मिर्च मंडी में भी 65 रुपये प्रति किलो तक बिक रही, 60 से 65 रुपये के बीच में शिमला मिर्च का भाव बना हुआ है। और इसके अलावा मंडी में बैंगन है 35 रुपये, करेला है 70 रुपये और भिंडी है 55 रुपये प्रति किलो। फ्रांस बीन मंडी में आज 60 रुपये है और घी 35 रुपये है। घी के अलावा यदि हम बात करें कद्दू की, तो कद्दू भी 35 रुपये के बीच में बिक रहा है। खीरा 25 भी है और 35 भी है, कटहल 55 भी है और 65 भी है, नींबू 140 है, नींबू के अलावा अदरक 140 रुपये, 130 से 140 रुपये के बीच में अदरक बिक रहा है, और मशरूम 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। हरा धनिया 8 से 10 रुपये के बीच में, पालक की गुच्छी 15 रुपये है, चुकंदर 20 रुपये है, और पालक हरा धनिया, पालक मेथी 15 रुपये है, और ब्रोकली 60 से 70 रुपये के बीच में ब्रोकली सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। तो कुल मिलाकर सब्जियां यही है। और टमाटर के हमने आपको बताया कि टमाटर के भाव में गिरावट है, 500 रुपये तक का मिनिमम रेट है। शर्मा मीनाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। इंदु अंजरानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। शांता कुमार जी का स्वागत है, संदीप राजपूत जी का और मोहन लाल ठक्कर जी का हम स्वागत करते हैं। आप लोग बड़ी संख्या में सुबह सुबह जुड़े हैं, लेकिन हम आपको ये इतना बता दें कि जो सब्जी के भाव हमने बताए हैं इसमें 6% आड़ती भी जुड़ेगी, क्योंकि रिटेलर का यह कहना रहता है कि आप जो रेट बताते हैं उसमें आड़ती भी जोड़ते हैं, तो उसमें 6% आड़ती भी जोड़नी है। परिवहन का खर्चा, उनका दुकानों तक पहुँचाने का लेबर, और उसके बाद जो सरकार ने निर्धारित किया 25% मार्जिन वो भी जुड़ेगा, उसके बाद ही सब्जियों के रेट तय, उस रेट पर सब्जी बिकती है जो हमने आपको बताया 25% मार्जिन है। यह अलग बात है कि मार्जिन 25% तो शायद ही कोई भी 25% मार्जिन पर बेच रहा होगा, सभी उससे अधिक मार्जिन पे ही सब्जियां बेच रहे हैं, यही वजह कि बाजारों में सब्जियों के रेट बहुत महंगे हैं। और नावड़ी रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। जीवन ठाकुर जी का स्वागत है और सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जाइएगा कहीं नहीं। अभी हम फ्रूट के भाव भी आपको बताएंगे कि किस तरह के फलों के रेट सोलन सब्जी मंडी में आ जा रहे हैं। राजू प्रधान जी जुड़ गए, तो उनका भी स्वागत।